आगे बढ़ेंगे। हाथरस भगदड़ केस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को घटना पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य के खिलाफ उनकी लापरवाही के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई है। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी को रिमांड पर पुलिस लेगी। राजनीतिक कनेक्शन और फंडिंग को लेकर भी तहकीकात चल रही है। भोले बाबा को एसआईटी रिपोर्ट में हालांकि क्लीन चिट दे दी गई, जिसके बाद सवाल पूरी की पूरी एसआईटी रिपोर्ट पर उठ रहे हैं। पूरे मामले में आज सुनवाई होने वाली है। नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह ने कासगंज के बहादुर नगर में जहां बाबा का आश्रम है वहां भक्तों से बात की, तो सुनिए कैसे नारायण साकार हरि को लेकर चौंकाने वाले दावे लोगों की ओर से किए गए। सारे बहादुर नगर जहां पटियाली में नारायण साकार हरि का जन्म स्थल और यहां धाम कहते हैं, ये सब वहां के लोग हैं। ये कितना प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। रात के 9:15 बज रहे हैं, ऐसे में भी यह मिलने आए हुए हैं। और इनकी ये शिकायत है कि जो कुछ न्यूज चैनल ने गलत गलत लोगों का लेके दिखा के और बता दिया ये बहादुर नगर के हैं, ये पटियाली के, पूरी गलत, ये गलत दिखाया गया, न्यूज चैनल पर दिखाया गया। नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए प्रयास किया गया, पूरी साजिश थी, आपको पता लग रहा है। ये सब गांव के ही हो ना, आप यही नारायण साकार हरि का जन्म हुआ, आप लोग यही के हैं। कुछ भी उन्होंने गलत किया था किसी के साथ, गलत किया नहीं, पहचान पत्र देखने की जरूरत नहीं, सब आप लोग यहाँ के और गलत गलत दिखाया जा रहा है बदनाम करने के लिए। क्या इस दुर्घटना तो हुई है, हम भी मानते हैं, क्या उसमें कोई नारायण साकार हरि का रोल हो सकता है? पूरी साजिश रची गई, ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए महिलाओं से संबंधित। कोई नारायण साकार हरि के चरित्र में कमी है? कोई उन्होंने धन उगाही की? कोई चंदा लेते हैं? कोई डोनेशन बॉक्स यहाँ कभी पैसा लेने की रसीदें काटी जाती है? कभी चढ़ावा चढ़ता है यहाँ? कोई सोना चांदी लिया जाता है कभी? किसी की जमीन हड़पी है कभी? किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है? पूरा झूठे आरोप ये मीडिया ने लगाए और मैं आप लोगों के माध्यम से ये जारी कर रहा हूँ। यहाँ के लोग हैं, आप लोग कहे सब आधार कार्ड भी दिखा देंगे, राशन कार्ड भी, इनके चेहरे देख ली, यहाँ के निवासी है, मूल निवासी है, ये सब बच्चे भी यहाँ जन्म लिया, यहीं बड़े हो रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, और पूरी तरह से ये एक साजिश रची गई सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, हिंदू को बदनाम करने के लिए, क्योंकि नारायण साकार हरि दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के लिए भक्ति का संदेश देते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। और इसलिए आज मैं बहादुर नगर में आया हूँ, देर रात पहुंच पाया, क्योंकि लगातार इतने दिनों से अलीगढ़ अस्पताल आप लोग देख रहे होंगे, हाथरस, मैनपुरी और सिकंदरा राव, सब अस्पतालों में गया, इंजर्ड को भिजवाया, सारे लोगों के लिए काम किया। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से झूठ का सहारा लेकर के ये सब किया जाता है। और इसको आप लोग तैयार रहें, आप लोग सतर्क रहें कि नारायण साकार हरि को बदनाम करने की साजिश है। और आप लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, जहाँ कहीं पर होता क्या है, कहीं कहीं बाहर की रिकॉर्डिंग करके लोगों की, उसे बहादुर नगर से जोड़ा जाता है, आपको बदनाम किया जाता है, आपके गांव को बदनाम किया जाता है। आप इस बात से बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, साजिष की गई, षड्यंत्र किया गया। अब आप देखिए इनके भाव।